हेलो ट्रेडर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो है हमारे अपने चैनल नोवेस्ट ट्रेडर्स पर। चैनल का नाम नोवेस्ट ट्रेडर्स इसलिए रखा है बिकॉज ट्रेडर्स, आप सबको पता ही होगा नोवेस्ट का मतलब होता है नया, और मैं एक नया ट्रेडर हूँ। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग इज जस्ट अ पार्ट टाइम बिजनेस फॉर मी। फुल टाइम में मैं क्या करता हूँ ये हम कभी और दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं फिलहाल नोवेस हूँ, मतलब नया हूँ, और आप में से कई ट्रेडर्स की तरह ही मैंने यूट्यूब चैनल्स और कुछ बुक्स से नॉलेज गेन किया है जो कि मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँगा। मैं इसलिए ये यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ ताकि मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी का रिकॉर्ड रख सकूँ और गलतियों से सीख सकूँ, और आप सबके साथ भी न्यू इन्फॉर्मेशन और मेरी लर्निंग्स शेयर कर सकूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। तो ट्रेडर्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा कि मैं ट्रेडिंग के लिए अपने स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करता हूँ। सो लेट्स बिगिन। हाँ तो ट्रेडर्स, ये हमारा यूट्यूब का चैनल है नोवेस ट्रेडर्स। आप अबाउट सेक्शन में जाके ये पढ़ भी सकते हो। तो अभी हम चलेंगे ज़ीरोधा टर्मिनल के पेज पर। तो ट्रेडर्स, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने जो ट्रेडिंग टर्मिनल है इसमें ये जो सब निफ्टी के इंडेक्सेस हैं इन सबको ऐड कर लेता हूँ, मतलब जो ये मेरे इसमें पहले से ऐड कर लेता हूँ। इसमें निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज, निफ्टी मेटल, ऑटो, एफएमसीजी और ये सब बाकी जो है आप देख सकते हो, और इसे आप पूरा कॉपी भी कर सकते हो आपने जो भी टर्मिनल आप यूज़ करते हो ट्रेडिंग के लिए उसमें। इसके जो लास्ट में जो ये इंडिया विक्स इंडेक्स है इस पे हम एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसको देखकर ही बहुत सारे ट्रेडर्स अपना डिसीजन लेते हैं। विक्स का मतलब ये जो इंडेक्स है ये वोलेटिली को दर्शाता है। तो ठीक है ट्रेडर्स, तो सबसे पहले स्टेप आपको करना है कि आपको ये जो सब इंडेक्सेस है इन सबको आपके ट्रेडिंग टर्मिनल पे ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे ये जो आप टाटा स्टील का चार्ट देख रहे हो ये 15 मिनट का चार्ट है, तो इसमें कुछ मेरी लर्निंग्स अभी शुरू थी, थोड़ा स्टडी कर रहा था मैं। तो यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस जोन है, तो स्टॉक ने इसको ब्रेक करने का 2 बार ट्राई किया था लेकिन ये नहीं कर पाया और वापस से ये नीचे आ गया है। आप देख सकते हैं जो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया था। तो यहाँ पे आपको अपने पास बहुत ही अच्छा मौका था, यहाँ से हम टाटा स्टील स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है ट्रेडर्स, अभी इसके बाद अगली स्टेप है मैं स्टॉक्स कहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि गूगल पे जाना है, गूगल पे एनएससी की वेबसाइट पे जाना है। तो चलिए हम चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पे। तो एनएससी की वेबसाइट पे जाने के बाद इस तरह का पेज ओपन हुआ। तो आपके पास 2 रास्ते हैं स्टॉक्स तक पहुंचने के लिए। सबसे पहला है आप मार्केट डाटा में जाके यहाँ पे इक्विटी एंड एसएमई मार्केट पे क्लिक कर सकते हो, या तो फिर आप यहाँ पे थोड़ा नीचे आके टॉप 5 स्टॉक्स जो निफ्टी 50 के होते हैं, गेनर्स और लूजर्स की जो ये लिस्ट है यहाँ से अपना स्टॉक पिक कर सकते हो। तो यहाँ से आप, अगर आपको पूरी लिस्ट देखनी है तो आप यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद आपके पास उस पर्टिकुलर दिन के सारे स्टॉक्स की लिस्ट मतलब आप देख सकते हो। तो आपको देखना है यहाँ पे एडवांसेस, डिक्लाइंस और अनचेंज। तो यहाँ पे जो एडवांसेस 32 है मतलब मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, ना कि बेरिश। तो आपको आज का जो ट्रेंड है उसी के साथ जाना है। तो ट्रेडर्स, ये बात हमेशा याद रखना कि हमें ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक करना होगा जो ये परसेंटेज चेंज है ये वाला। तो इसमें हमारा पहला रूल है कि हमें स्टॉक्स को देखना है जो 1.5% से ज़्यादा बड़ा हो। तो यहाँ पे 1.5% से अगर आप देखें तो ये टाटा कंज्यूमर है और टाटा मोटर्स है। ठीक है, और इसके बाद बहुत सारे हैं। तो ओप्स,
सॉरी सॉरी, इसको बंद करना होगा। हाँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स। तो इसके बाद अगला रूल जो है हमारा, हमको वॉल्यूम चेक करना है। तो टाटा कंज्यूमर और टाटा मोटर्स, लेट सपोज हमको इन दोनों में से चूज करना है, तो हमें क्या करना है कि इनका जो वॉल्यूम है उसको कंपेयर करना है। तो इन दोनों में से वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, तो टाटा मोटर्स का ज़्यादा है, तो हम टाटा मोटर्स के साथ जाएंगे, ना कि टाटा कंज्यूमर के साथ। तो मेरा जो मोटिव है आपको बताने का, तो ये है कि सबसे पहला रूल है कि 1.5% से वो स्टॉक्स बड़ा होना चाहिए, और उसके बाद उसका जो वॉल्यूम रहता है वो वॉल्यूम को भी आपको चेक करना है, ठीक है। वॉल्यूम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो इससे आप ट्रेंड के साथ जो भी स्टॉक्स जा रहे हैं उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यूजुअली निफ्टी 50 के स्टॉक्स के साथ ही जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि इसमें जो वॉल्यूम रहता है ये अच्छा खासा रहता है, ठीक है ट्रेडर्स। और एक बोनस टिप आपके लिए, अगर आपको ये तरीका शायद ना पसंद आया हो, तो आपके आपके लिए और एक दूसरा तरीका है। तो इसके लिए आपको फिर से गूगल पे जाना होगा और यहाँ पे लिखना होगा ओपन हाई ओपन लो, ठीक है। तो इसमें जाने के बाद आपके सामने देखिए, मेरे कई दोस्त हैं जो charting.com का भी यूज़ करते हैं। इसमें क्या है ट्रेडर्स, आप स्क्रीनर लगा के और कुछ कोडिंग वगैरह करके भी स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ पिवट ट्रेडिंग। तो आपको जाना है, तो सबसे पहले आपको ओपन है ओपन लो लिखने के बाद जो ये वेबसाइट आएगी पिवट ट्रेडिंग डॉट को डॉट इन, इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद ट्रेडर्स, एक सेकंड, उसको पहले ओपन होने दो। हाँ, तो इसमें जाने के बाद आपको क्या है, मतलब जो वेबसाइट है इस पे कुछ इन्होंने बताया है, जैसे कि वेन ओपन हाई, मतलब जो भी स्टॉक अगर हाई ओपन होता है तो उसको शॉर्ट करना है, और जो भी स्टॉक लो ओपन होता है उसको लॉन्ग, मतलब उसको बाय कर लेना है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ इन्होंने बताया, हमें ऐसा नहीं करना है ट्रेडर्स। हम आने वाले वीडियोस में ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें एग्जैक्टली हमारी स्ट्रेटेजी कैसे लगानी है, लॉन्ग के साथ जाना है या शॉर्ट के साथ जाना है। तो ट्रेडर्स, इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको 9:30 तक का वेट करना है, कितना, 9:30, ठीक है। 9:30 के बाद आपको इस पेज को 2-3 बार रिफ्रेश करना है, क्योंकि 9:30 के बाद ही अच्छे से आपको आप ट्रेंड के साथ जा पाओगे, क्योंकि जो मार्केट के स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स होते हैं वहाँ पे वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा ही होती है। तो आप देख सकते हैं ट्रेडर्स, इस वेबसाइट में आपको जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट मतलब जो स्टॉक्स, कोई लोग स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टॉक्स के नाम है आप यहाँ से पिक कर सकते हो, आपको जो भी, मतलब आपको क्या करना है, इन सब मैं मतलब करता हूँ कि ये जो स्टॉक्स है इन सबको अपने जो टर्मिनल है, जैसे कि टर्मिनल पे इस पेज पे सबको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ऐड कर लेता हूँ। और उसके बाद जो भी मेरे सेटअप में बैठता है उसके साथ में ट्रेड करता हूँ। तो इस वेबसाइट पे आप देख सकते हो, आपको ओपन हाई लो की पोजीशन बताई है, उसके बाद एंट्री प्राइस, एंट्री प्राइस टू, ये सब भी डेटा दिया है, लेकिन इसके साथ मैं नहीं जाता, और मैं आपको भी सजेशन दे करता हूँ कि इसके साथ ना जाए। सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे स्टॉक्स के जो नाम है उसी को आप देखें, ठीक है। इसमें आपको स्टॉप लॉस भी दिया है, टारगेट भी दिया है और रिजल्ट भी दिया है। जैसा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ है, लेकिन इसके जो एक्यूरेसी है ट्रेडर्स वो इतनी अच्छी, मतलब मुझे तो नहीं लगती। हमें खुद के दिमाग के साथ जाना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है, लेकिन आपका जो फैसला है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मैंने एक बोनस ट्रिक भी बताई है स्टॉक्स को पिक करने की। तो अभी आने वाले वीडियोस में हम और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मैं सीखता हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।